कंटिन्यू सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में दो वाइंडिंग होती है, एक होती है आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो रोटर की साइड में लगी होती है, स्टेटर में लगी होती है, और एक होती है जमीन में। ठीक, इन दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का होता है। ठीक, स्टार्टिंग वाइंडिंग का मेनली यूज हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग में एक कैपेसिटर लगा होता है और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज होता है। कैपेसिटर 250 माइक्रो फैराड का यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जब हमारी मोटर फुल स्पीड के 70 से 80% पे चली जाती है तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का मेन ऑपरेशन कैसे होता है, इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है। सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल हुआ, ये एक प्रकार का बल है जो सर्कुलर रोटेशन के कारण आता है। ठीक है, आप लोग एक चीज़ देखे होंगे डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर विदाउट लोड हम नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते, उसका मुख्य कारण यही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हम विदाउट लोड डीसी सीरीज मोटर को चला देंगे तो हमारा जो रोटर होता है ना वो पूरा का पूरा उखड़ जाएगा, वो इसी बल के कारण, सेंट्रीफ्यूगल के ही कारण। ठीक है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब हम इसका ऑपरेशन देखते हैं, उसके बाद फिर रोटेशन चेंज करके देखेंगे। ठीक है, रोटेशन चेंज करके केवल फील्ड में हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो इस मोटर का रोटेशन चेंज होता है। ठीक है, तो पहले हम किसी एक डायरेक्शन मोटर को चला लेते हैं। ठीक है, ऑन करते हैं। अभी हमारी मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, ये हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये हमारा मेन वाइंडिंग है। ठीक है, अब हम इसका रोटेशन चेंज करेंगे। ठीक, ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे। ठीक, हमारे करंट का डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम फील्ड के भी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं तो हमारा डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, सिंगल फेज है ये जो डिस्क एनी क्वेश्चन। इसमें कैपेसिटर जो लगाया हुआ है क्यों लगाया हुआ है? स्टार्टिंग के लिए इसका जो है रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, और इसको हम हाईली रेजिस्टिव बनाते हैं, और इस वाली बाइंडिंग को, ये बाइंडिंग जो है रनिंग बाइंडिंग है, इसको हम हाईली इंडक्टिव बनाते हैं क्योंकि करंट को हमें यहाँ से लीड कराना है तो स्टार्टिंग टार्क हमें 4 से 5 गुना ज़्यादा मिलता है, इस वजह से हम इस कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। रनिंग के टाइम पे स्टार्टिंग जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ होगा तो स्टार्टिंग वाइंडिंग वर्क करेगी या ओनली मेन वाइंडिंग? केवल मेन वाइंडिंग वर्क करेगी। इसका तो कनेक्शन कट गया था, ये सीरीज में लगा होता है, इसका कनेक्शन कट गया तो इसका काम खत्म हो जाता है और ये इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करने लगती है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम, जब मोटर हमारी फुल लोड के 70 से 75% स्पीड पे आ जाती है तो ये ऑटोमेटिक स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटा देता है। अगर नहीं हटाएगा इसका हाईली रेजिस्टेंस के कारण ये वाइंडिंग टोटल जल जाएगी। इसका यूज रेफ्रिजरेटर और एसी। नेक्स्ट टॉपिक परमानेंट कैपेसिटर मोटर।